नमस्कार दोस्तों, मैं रंजीत प्रसाद आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल रंजीत प्रसाद CNC वेसी पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कितने साइज के बोल्ट में कितने साइज का एलिंकी लगता है, उसका कैलकुलेशन हम लोग समझेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा वक्त ज़्यादा ना करते, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये ड्रॉइंग आप लोग देख करके बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ये एलिंकी है और ये एलन बोल्ट होता है, ठीक है। और आप लोग को बता दूं कि एलिंकी जो कि हार्डर एंड टेम्पर क्रोम वैनेडियम स्टील, ये जो इसका मेटल होता है यानी कि वो जिस चीज़ का बना होता वो होता है हार्डर एंड टेम्पर क्रोम वैनेडियम स्टील का बना होता, ठीक है। नंबर वन पॉइंट में, नंबर टू पॉइंट में 90 डिग्री एंगल, यानी कि इसका जो एंगल होता है, ये जो एलिंकी है, एलिंकी का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। ये आप लोग को अच्छी तरह से पता होगा क्योंकि आप लोग डेली इसको यूज़ करते होंगे, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर है सेप, यानी कि एलईडी का सेप कुछ इस तरह से होता है, आप लोग डेली यूज करते हैं तो आप लोगों को पता होगा कि देखने में कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। तो ये तीन पॉइंट था जो एलईडी के बारे में था, और ये है एलईडी बोल्ट, ठीक है। तो एलईडी बोल्ट के यदि डाया को हमको मेजर करना हो तो हम किस तरह से इसके डाया को मेजर करेंगे, आप लोग को बता दूँ। ये जो तीर दिखाई दे रहा है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक का इसका जो डाया होता है, यही इसका एलईडी बोल्ट का डाया होता है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इसका डाया हम यहाँ पे, इसका डाया यहाँ पे इसका मेजर किया 6, ठीक है। जब इसका डाया हम 6 मेजर किए, इसका मतलब है कि इसमें कितने साइज का एलिंकी लगेगा, इसका किस तरह से कैलकुलेशन होता है, आइए हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि जैसे देखिए यहाँ पे M2 और M3, यानी कि M2 साइज का बोल्ट हो और M3 साइज का बोल्ट हो, तो उसमें 0.5 माइनस कर देते हैं। 0.5 जब माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1.5 mm, 2.5 mm। इसका मतलब ये हुआ कि M2 बोल्ट के लिए 1.5 mm का एलिंकी और M3 बोल्ट के लिए 2.5 mm का एलिंकी लगेगा। इसका फॉर्मूला यही है कि जब M2 और M3 का बोल्ट हो उसमें माइनस 0.5 कर देंगे, तो माइनस 0.5 करने से ये जो आएगा वो एलिंकी का साइज हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट, अब यहाँ पे M4, M5, M6, M8, M10, 12, 14, 16 इस तरह से यदि दिया हो तो देखिए यहाँ से M4 से M6 यहाँ तक, इसमें यदि इस डाया का बोल्ट हमें चेक करना हो तो कितने साइज का एलिंकी लगेगा, तो देखिए M4 से M6 में -1 mm कर देंगे। माइनस करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए 4 में 1 mm माइनस करेंगे तो 3 हो जाएगा, 5 में 1 mm माइनस करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 6 में 1 mm माइनस करेंगे तो 5 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि M4 बोल्ट के लिए 3 mm का एलिंकी चाहिए और M5 बोल्ट के लिए 4 mm का एलिंकी चाहिए और M6 बोल्ट के लिए 5 mm का एलिंकी चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि इस साइज का यदि डाया दिया हो उसमें 1 mm माइनस कर देंगे तो ये एलिंकी का साइज है, ठीक है। जैसे कि M4, M5, M6 इस साइज का एलन बोल्ट दिया हो उसमें -1 कर देंगे तो ये हो जाएगा एलिंकी का साइज हो जाएगा, यानी कि इसमें -1 कर देंगे 3 mm, 4 mm, 5 mm, ठीक है। दोस्तों, इस तरह से ये इसका कैलकुलेशन हो गया। अब नेक्स्ट, अब देखिए M8, M10, M12, M14, M16 इस साइज का एलन बोल्ट दिया हो उसमें -2 कर देंगे। जब उसमें -2 कर देंगे यानी कि देखिए M8 में -2 करेंगे तो 6 mm, यानी कि M8 बोल्ट के लिए 6 mm का एलिंकी चाहिए। ठीक वैसे ही M10 है, इसमें -2 कर देंगे यानी कि 1 mm का एलिंकी चाहिए। फिर M12 का बोल्ट हो उसमें -2 कर देंगे तो 10 mm का एलिंकी चाहिए, ठीक। M14 -2 करेंगे तो 12 mm का एलिंकी चाहिए। फिर M16 -2 करेंगे तो 14 mm का एलिंकी चाहिए, ठीक है। यानी कि बोल्ट का, ये जो बोल्ट होता है, एलन बोल्ट होता है, इसके डाया को मेजर कर लेंगे। इसके डाया को मेजर करने के बाद हम ये देखेंगे कि कितने डाया का है, उसके बाद ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। मान लीजिए अगर डाया 12 का है तो उसमें -2 कर देंगे तो एलिंकी का साइज पता चल जाएगा, ठीक है। मान लीजिए इसका डाया हम लोगों ने मेजर किया M5, यानी कि इसमें -1 mm माइनस कर देंगे, 1 mm माइनस करेंगे तो 4 mm का एलिंकी लगेगा। और मान लीजिए इसका डाया हम लोगों ने मेजर किया और M3 आया तो इसमें 0.5 माइनस करेंगे, जब 0.5 माइनस करेंगे यानी कि 2.5 का एलिंकी लगेगा, ठीक है। दोस्तों, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पर देखिए M20,
820 का वोल्ट हो तो उसके लिए 17 mm का एलन की लगेगा, क्योंकि इसमें -3 करना होगा। ठीक है, इसमें देखिए, इसमें 0.5 माइनस किए थे, इसमें 1 mm माइनस किए, इसमें -2 mm किए और इसमें -3 mm किए। M20 के लिए -3 mm किए तो 17 mm का एलन की लगेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ये M22 और M24 यदि इस साइज का बोल्ट हो उसमें -5 कर देंगे, जब उसमें -5 करेंगे यानी कि 17 mm का एलन की चाहिए, और M20 के लिए -5 करेंगे तो 19 mm का एलन की चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, M20 के लिए 17 mm का एलन की लग रहा और M22 के लिए 17 mm का एलन की लग रहा, इसमें तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो इस तरह से यदि दिया हो तो उसको याद करने के लिए या इसका फॉर्मूला याद करने के लिए अपने इसके लिए आपको ये याद रखना होगा। कैसे याद रखेंगे, देखिए M16 और M18 के लिए 14 mm का एलन की लगेगा, यानी कि M16 हो और M18 इसका एलन बोल्ट का गया हो तो उसके लिए 14 mm का एलन की लगेगा। ये हमें याद रखना, क्योंकि इसमें कोई फार्मूला यूज नहीं होगा, यदि फार्मूला यूज करेंगे तो हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे देखिए, M22 के लिए 17 mm का एलन की लग रहा और M20 के लिए 17 mm का एलन की लग रहा, यानी कि इसमें इस तरह से यदि हम लोग इसका फार्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हम लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। इसलिए इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, M16 और M18 बोल्ट के लिए 14 mm का एलन की लगेगा। यहाँ पे देखिए 14 mm का एलन की, यहाँ पे M16 के लिए देखिए, M16 के लिए 14 mm का एलन की लग रहा और M18 के लिए भी 14 mm का एलन की लगेगा। ठीक है, इसलिए इसको आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि M16 और M18 के लिए 14 mm का एलन की और M20 और M22 के लिए 17 mm का एलन की लगेगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए M20 इसमें भी 17 mm का है और M22 इसमें भी 17 mm का है। इसलिए इस दोनों को आपको याद रखना, बाद बाकी इन सब फॉर्मूला पर आप लोग अप्लाई कर दीजिएगा तो आसानी से हम लोग बोल्ट कितने का बोल्ट है उसमें कितने का एलन की लगेगा आसानी से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि यदि बोल्ट का डाया हमें पता हो तो हम एलेंकी का साइज किस तरह से पता करेंगे। तो दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा है एक लाइक जरूर कीजिएगा, और यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।